वाले लालू, नीतीश, कांग्रेस राम जन्मभूमि के मंदिर को लटकाते रहे, अटकाते रहे। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, देश भर के मंदिरों में आरती होने वाला है। आप भी शामिल होइए और रामलला की प्रतिष्ठा का स्वागत करिए। ये मोदी जी ने 9 साल में 6,00,000 करोड़ रुपया देकर बिहार का विकास किया है। ये खाइए दोनों हाथ, 24 में सभी सीटें जीतने का संकल्प करिए। केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, लालू जी वहां मंत्री थे, तब 10 साल में बिहार को 1,50,000 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी ने 9 साल में 6,00,000 करोड़ रुपया देकर बिहार का विकास किया है। ये 6,00,000 करोड़ रुपया ग्रांट इन एड एंड और डिवोल्यूशन का है। इसके अलावे भी 4,50,000 करोड़ रुपया बिहार में कई सारे पुल, 2 नए वंदे भारत ट्रेन, 3 वंदो मेट्रो ट्रेन चलाने वाले हैं, 2584 करोड़ से 49 नए रेलवे स्टेशन, पटना का हवाई अड्डा और गया के हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर वालों ध्यान से सुनना, 86,00,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी सरकार भेज रही है, सिलेंडर दिया। और इसके साथ साथ 26,000 गरीबों को घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे बताओ भाई, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, मुजफ्फरपुर वालों जरा जोर से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? इंडिया अलायंस वाले लालू, नीतीश, कांग्रेस राम जन्मभूमि के मंदिर को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैं तो बिहार वालों को निवेदन करने आया हूं, 22 जनवरी को 12 बजे प्राण प्रतिष्ठा है, देश भर के मंदिरों में आरती होने वाला है। आप भी शामिल होइए और रामलला की प्रतिष्ठा का स्वागत करिए, यही मेरा विनंती है। वो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, 24 में सभी सीटें जीतने का संकल्प करिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता, भारत माता की।